हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीडिया यूएसबी प्लेयर आया हुआ है जो ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग बने रहें वीडियो में, हम इसको फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये ओपन होगा। इसमें चार स्क्रू होते हैं जो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। इसको फटाफट से ओपन करते हैं, इसकी सर्किट भी निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा तो क्या पता इसका सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये बैटरी कनेक्शन, स्पीकर कनेक्शन यहाँ से आप रिमूव करके, और यह इसमें इन्होंने चार्जिंग कनेक्टर लगाया हुआ है जो इनके पास शायद चार्जिंग केबल ना हो, इसके लिए इन्होंने सी टाइप इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है दोस्तों, इसमें भी चार्जिंग होता है। फटाफट से इसका बैटरी भी रिमूव कर देते हैं, इसके अंदर एक बैटरी है उसको भी फटाफट से रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। ठीक, और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यह ओपन हो जाएगा पूरा। सबसे पहले दोस्तों हम इस बैटरी को चेक करेंगे जो ये 4 वोल्ट की है, तो इसमें बैटरी का पावर चेक करेंगे। हमें बैटरी का पावर पूरा 4 से 5 वोल्ट तक मिलना चाहिए दोस्तों। प्लस वाला प्लस में कनेक्ट करेंगे और माइनस वाला माइनस में, कुछ देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो बैटरी तो पूरा डेड है दोस्तों। और इसका स्पीकर चेक करेंगे, मल्टीमीटर को हम सेट कर देंगे बीप में और इस तरीके से चेक करेंगे, तो स्पीकर हमारा कम्प्लीट है दोस्तों। सर्किट हमारा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगा इसलिए कि इसकी बैटरी डेड थी। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी हम इसकी चार्जिंग में लगाएंगे और वापस देखेंगे इसकी बैटरी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि एसिड बैटरी को कैसे ठीक करते हैं तो आई बटन प्रेस कीजिए, वहां पर बैटरी कैसे ठीक करते हैं मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बैटरी चार्जिंग में लगाया था, बैटरी वर्किंग कंडीशन में नहीं है दोस्तों। इसकी बैटरी अंदर से ही प्लेट इसकी डैमेज है, इसके लिए जाओ वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कुछ लिथियम बैटरियाँ पड़ी हैं, इसमें से हमें 3 वोल्ट प्रॉपर वर्किंग वाली बैटरी चूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बैटरी हमें सही लगी तो इसे हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों फटाफट से, प्लस और माइनस आपको पता ही है, फटाफट से सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लस वाला हम प्लस में यूज़ करेंगे और जो ब्लैक वाला हम माइनस में यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, जब तक हम इसे सोल्डरिंग करते हैं तब तक आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखें दोस्तों, यह चालू हो गया है और चार्जिंग भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम फटाफट से पैक करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों। ठीक है, फटाफट से इसका बैटरी अंदर इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, और इसका स्पीकर यहाँ से फटाफट से इसका पैकिंग कर देते हैं, और ये रहा इसका चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है दोस्तों, यह चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह अच्छे से वर्क कर रहा है और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी भी है इसमें। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है दोस्तों, आप स्लो मोड में इसका स्लो मोड करके इसको सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉन्ग ज़्यादा हम इसमें प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट इशू आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं आप लोगों के लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा इसे प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, यह प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।